किसी मोटिवेशन स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक तो आपका जोश, आपका उत्साह जागता है और 2 मिनट बाद फिर से आप ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन कहें, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता और ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस को ख़त्म करना होगा। आलस की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति क्या जोशीला और उत्साह से भरा नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन फिर भी वे आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात समझ में आ गई कि ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से जन्म लेते हैं। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ सकते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू भी नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेट रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस समय ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय टनकपुर नाम के गांव में राजेश अपने पिता के साथ रहा करता था। राजेश अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में हाथ नहीं बटाता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ राजेश शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर राजेश उस काम को अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर गाय और भैंसे पाला करती थी, जिनका दूध पीकर राजेश बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी राजेश और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेतीबाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाते थे। इसीलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीज़ें उगाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज रह जाता था। इसीलिए ज़्यादा मेहनत करके वह अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि राजेश के पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो खेतीबाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सा फसल कब लगाना है, उसमें कितना पानी देना है, कितना मेहनत चाहिए, यह सब राजेश के पिता को भली बात ही पता था। और वो मेहनत करने के लिए कभी पीछे भी नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वो बड़ी आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी, इसीलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे राजेश के पिता की जान का खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था। इससे राजेश की माँ बहुत चिंतित रहती थी और वो राजेश को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़ा हो चले हैं और सारा कामकाज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने स्तर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए
बूढ़ा पिता खेतों में काम करता रहे यह अच्छी बात नहीं लगती। अरे तुम में इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, तुम खेतों को काम क्यों नहीं करते हो? लेकिन राजेश पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेला करता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन जब राजेश के पिता फसल में पानी दे रहे थे तो आश्चर्यचकित रूप से एक सांप ने उनके पैर पर काट लिया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी काम बढ़ाते हुए अपने घर पर पहुँचे। रात का समय था और अस्पताल भी कहीं आसपास नहीं था। सबसे नज़दीक अस्पताल वहाँ के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसीलिए राजेश अपने पिता को लेकर नगर में जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राजेश अपने पिता के मृत शरीर को घर वापस लौटकर आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। घर में सिर्फ राजेश और उसकी माँ बचे थे। अब पूरी जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर थी। राजेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक तो राजेश बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी, फसल में पानी देना उसी का काम हो गया था। लेकिन राजेश के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना, ताश खेलना, यही काम था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव में लगान वसूल करने के लिए आ पहुँचे। राजेश अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसलिए उसके खेतों में दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज ही हुआ, और आधे में से ज़्यादातर हिस्सा तो अंग्रेज लगान के रूप में वसूल करके अपने साथ ले गए। अब राजेश के घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि राजेश एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। यह देखकर राजेश की माँ को बहुत आघात पहुँचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठा रहता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर राजेश को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद राजेश कुछ देर तक तो जोश और उत्साह से भर जाता और सीधा अपनी कृषि उठाकर अपने खेत में पहुंच जाता। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका मन, उसका जोश ठंडा हो जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब राजेश की माँ राजेश को जलीकट्टी सुना रही थी, तो राजेश ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कह दिया, मैं भी चाहता हूँ कि दूसरों की तरह अनाज उगाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन अपने बस में नहीं है। मैं रोज रात में यही सोच कर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूँगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें राजेश का पड़ोसी भी सुन रहा था। राजेश का यह कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसे ही हालत मेरे बेटे की हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि क्या पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वह बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुँच जाता है। मैं खुद उसका यह बदलाव देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या बताया था? तुम भी एक बार जानकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना। वो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर आज उसकी माँ ने राजेश से कहा कि बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूँगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है,
इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कोई काम नहीं करते। एक बार तुम उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना। मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ सहायता तो तुम्हें जरूर वहाँ से मिलेगी। ये सुनकर राजेश अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच जाता है और अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु उसे बताते हैं कि तुम रात में ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर राजेश कहता है, महात्मा वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहता है, तुम अपने आप को बदलना चाहते तो हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम दो मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। दो मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और भी ठंडा हो जाता है, इसीलिए तुम रात में तो सोचकर सोते हो लेकिन सुबह वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि दो मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं। इसीलिए कभी भी किसी बात पर अकस्मात रूप से जोशीले मत हो जाओ, अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो, तो किसी काम को करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर एक दिन हर एक रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में ख़त्म नहीं करना है। यही सोचकर तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे हो, इसीलिए तुम रोज़ अपनी फसल उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे ही फसल उगाने की बारी आए तो सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तुम ये पाओगे कि मंजिल के तुम करीब पहुँच रहे हो, मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसीलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुँचोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जोश और उत्साह बढ़ता जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे वह पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पर कभी चढ़ने का फैसला ही ना ले, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुँचने लगता है, तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, रोज़ अपनी मंजिल की तरफ एक ही कदम बढ़ाओ, न ज़्यादा न कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है वो यह है, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा जरूरी होता है। अगर तुम उन नशीले कणों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज़ सुबह जागने के बाद तिल का तेल लेना और उसे मुंह में भरकर कुल्ला करना। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करना है। इसके बाद तुम्हारे शरीर में नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला 21 दिनों तक करना है। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो यह है कि स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हम अक्सर वो चीज़ें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते, इसीलिए जो भोजन हमें सीधे प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा।
हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए खाना खाते हैं। वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती है कि अगर आप उन प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी नहीं करेगा। जैसे कि बाज़ार में चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह वगैरह, इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पेट से चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस्य पैदा करते हैं। इसीलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य होता है वो ये है, आप करने के लिए इस संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। जरा खुद सोचिए, अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव होते, आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में जीवन मिला है जिसका आप पूरा उपयोग करें। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा, आपको अपना कर्म भोग को पूरा करना होगा, और कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है, मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस्य को खत्म करके अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात समझने की होती है वो ये है कि हमारे बिना भी वो काम पूरा हो जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या ज़रूरत है, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से मौजूद हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है, और ये सोचकर हम अपना योगदान उस काम में नहीं देते हैं। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये समझें कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ और मेरे बिना ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर करने में भी सक्षम होंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसको दूर भी कर पाएंगे। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।